भाकपा मामले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र और बिहार सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने बताया इस बार नीतीश कुमार का जाना तय है और यह एहसास भी नीतीश कुमार को हो चुका है। इस वजह से उन्होंने अपने भाषण में इस बात का भी जिक्र कर दिया कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। दूसरी ओर दीपांकर भट्टाचार्य ने मोदी सरकार को भेजते हुए यह आरोप लगाया, जहां जहां राज्य में एनडीए की सरकार नहीं है वहां केंद्र की सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जाती है। उदाहरण में उन्होंने झारखंड सरकार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की मदद झारखंड सरकार को केंद्र की तरफ से नहीं दी जा रही है और मुझे यह डर है अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है, क्योंकि एनडीए का जाना बिहार से तय है, तो कहीं वही और रूप यह भी एनडीए की सरकार ना अपनाए। लीडर्स लोग दौरा करके आए हैं, कल दीपांकर जी की अंतिम सभा बलरामपुर विधानसभा के वार्षिक में थी। तो ये पूरे उत्तर पूर्वी बिहार में एक जबरदस्त महागठबंधन के पक्ष में माहौल है और एनडीए के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश है, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज़्यादा संख्या में उन्हीं इलाकों में लौट के आए हैं और माइग्रेंट वर्कर्स के प्रति नीतीश सरकार का और दिल्ली सरकार का कहीं कोई सहानुभूति जैसी भी भूमिका नहीं है। उनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके राशन के लिए, उनके रोजगार के लिए कहीं कोई प्रबंध नहीं रहा है। तो हम लोगों ने तो वहाँ देखा कि नीतीश के खिलाफ तो भारी नाराजगी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी संपूर्ण उत्तर पूर्वी बिहार में और पूरे बिहार में काफ़ी गुस्सा है। तो ये उस इलाके के बारे में भी और समग्रता में देश और बिहार के बारे में हमारे बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी हैं, वो रखेंगे। सत्या कृष्णन जी हैं, रायराम जी हैं, वो एक गलत बयान माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के फिर नीतीश जी भी कह रहे हैं कि एनआरसी और एनपीआर के मामले में उन्होंने कुछ सफाई देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी अब सफाई नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे बिहार में लोगों को ये मालूम है कि नीतीश जी पिछले 15 साल से या उससे भी पहले से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही एक चेहरे के रूप में, उसी के एक उसकी जो राजनीति है उस राजनीति को बढ़ाने वाले एक नेता के रूप में नीतीश जी ने काम किया। और संसद में भी आपके चाहे एनआरसी एनपीआर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, इन सभी सवालों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। इसलिए अभी नीतीश जी कुछ भी कहे, पूरे बिहार में नीतीश जी इसीलिए याद किए जाएंगे कि नीतीश जी वो नेता थे जिन्होंने बिहार जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक राजनीति को, खतरनाक नीतियों को बिहार में बढ़ावा देने का काम किया। और ये अपने आप में बिहार और देश के हित के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम था। चुनाव जहाँ जहाँ हो गए हैं उन इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि एक पोस्ट पोल, एक हिंसा, एक हमला दौर चल रहा है। पुनपुन में हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर जदयू के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। सिवान में गोरियाकोटी बसंतपुर के इलाके में हत्या हो गई। तो जगह जगह इस तरीके की घटना हम देख रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं हैं। तो हम बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे कि चुनाव जो अभी तक मोटे तौर पर शांति के साथ संपन्न हुआ है वो तीसरा चरण भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, और चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम है ये ट्रंप की तरह ना हो। ट्रंप हारने के बाद भी कह रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, और तो इस तरह से बिहार में जो भी चुनाव परिणाम है, जनता का जो जनादेश आएगा उसको सब लोग ठीक से स्वीकार करें, ये हम उम्मीद करेंगे। और अंत में एक बात पंजाब को लेकर, पंजाब में हम सब लोग जानते हैं कि देश में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ जो ज़बरदस्त किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पंजाब के किसानों ने।
लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वो बहुत गलत, बहुत ख़तरनाक है। एक तरह से पंजाब के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड थोपा जा रहा है, सिर्फ इस बात के लिए पंजाब को सजा दी जा रही है क्योंकि पंजाब की सरकार ने, वहाँ की विधानसभा ने, पंजाब के किसानों ने, पंजाब की आम जनता ने मोदी सरकार के कानूनों का विरोध किया है और आज इसके लिए पंजाब में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई। पंजाब में कोई गुड्स ट्रेन नहीं जा रही है, पंजाब के अंदर जो पावर प्लांट्स है वो करीब करीब बंद होने के कगार पर है और एक इकोनॉमिक एम्बार्गो, तो बहुत ही ख़राब ये उदाहरण है देश के लिए। कभी कश्मीर के साथ ऐसा किया गया, अभी पंजाब के साथ ये हो रहा है और झारखंड में जहां बीजेपी की चुनाव में हार हुई है वहां पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और हर तरह से झारखंड सरकार के साथ असहयोग कर रही है। उसके पूरे आर्थिक रूप से झारखंड की सरकार को दंडित किया जा रहा है। GST के मामले में हमने देखा कि पूरे देश में जो राज्यों का हिस्सा है सरकार ने वो देने से इनकार कर दिया और कल अगर बिहार में जब यहाँ विपक्ष की सरकार बन जाएगी, NDA की विदाई हो जाएगी, तो अगर बिहार के प्रति भी अभी चुनाव में आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं बिहार के पक्ष में और बिहार के विकास के नाम पर, लेकिन कल जब NDA की सरकार बिहार में नहीं रहेगी, NDA की सरकार रहते हुए भी वो डबल इंजन तो कोई काम नहीं किया, बल्कि डबल इंजन में लोग पहले कह रहे थे कि वह डबल इंजन में सिंगल ड्राइवर, एक तरह से नीतीश जी को गायब कर दिया गया, मोदी जी अकेले ड्राइव कर रहे थे और लॉकडाउन के दौर में लोगों ने देखा कि सिर्फ इंजन है, कोई ड्राइवर ही नहीं है, ना तो बिहार में कोई ड्राइवर था और ना देश में कोई ड्राइवर था और सिर्फ इंजन, और वो इंजन कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन कल अगर बिहार में जब सरकार बदल जाएगी तो ऐसा ना हो कि केंद्र की सरकार बिहार के खिलाफ भी, आज जो पंजाब के खिलाफ सरकार का रवैया दिख रहा है, कश्मीर के खिलाफ दिख रहा है, वैसा बिहार के साथ या पूरे देश के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए पंजाब ने हमें ये दिखाया कि ये सरकार किसान विरोधी है और ये सरकार पूरी तरह से एंटी फेडरलिज्म, देश में जो संविधान का विरोध, वो संविधान का विरोध एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फेडरल है, एंटी सेकुलर है और संविधान में जो सिटीजनशिप की राइट्स हैं, सिटीजन की राइट्स हैं, हर तरह से उन राइट्स के खिलाफ है। तो बहुत एक खराब स्थिति है और हम तो कहेंगे कि केंद्र सरकार अपने इन गलत दिशा से, गलत इरादों से, इन गलत जो रवैया है इससे बाज आए और किसान विरोधी कानूनों को भी वापस करें और राज्यों के खिलाफ, संघीय ढांचे के खिलाफ ये जो पूरे रवैया है केंद्र का, एक कोअर्सिव, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा देते हैं लेकिन ये कोअर्सिव सेंट्रलिज्म, कोअर्सिव सेंट्रलाइजेशन है, एग्रेसिव सेंट्रलाइजेशन है स्टेट्स के खिलाफ, इस दिशा से भारत सरकार बाज आए। और 26 तारीख जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है और 26 और 27 तारीख दो दिन जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिल्ली में दिल्ली चलो का जो नारा है, हम पूरी तरह दे रहे हैं और चुनाव खत्म होते ही पूरे बिहार में भी, जैसे पूरे देश में अभी कैंपेन चल रहा है, पूरे बिहार में भी 26 तारीख के हड़ताल और 26-27 नवंबर के दिल्ली किसान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमकर यहां प्रचार चलेगा। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन Daily Hunt।